दोस्तों, मैं शिवाजी सर हिंदी सीखे चैनल के माध्यम से आज जीएस के से संविधान का सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। इससे पहले आप सोमवार को संविधान पढ़े, मंगलवार, आज मंगलवार का दिन, आप सभी का दिन मंगलमय हो। ठीक, भगवान श्री राम के जो भक्त, परम भक्त श्री हनुमान जी का आज दिन है। ठीक, तो हनुमान जी का नाम लेकर जय श्री राम के साथ हम शुरुआत आज करते हैं संविधान के से ही। ठीक, इससे पहले आप कल राष्ट्रपति के बारे में पढ़, आज का भी जो पार्ट होगा, जो टॉपिक होगा, वो उपराष्ट्रपति और कुछ राष्ट्रपति से संबंधित होगा। जो आप, मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आज तक जो आपको राष्ट्रपति के पद क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छवा, सातवा, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां, चौदहवां तक जो कन्फ्यूजन था राष्ट्रपति पद याद करने का, कि सातवां राष्ट्रपति कौन था, आठवां कौन था, नौवां कौन था, पहला कौन था, दूसरा कौन था, तेरहवां कौन था, तो आपको आज एक ऐसा मैं ट्रिक देने जा रहा हूँ कि पूरे लाइफ तक आप इसको भूलेंगे नहीं। ठीक, तो बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, और एक शानदार आगाज के साथ शानदार सब्सक्राइब दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, उस चैनल को इतना सब्सक्राइब कीजिए कि यह चैनल आपके द्वारा और आपके लिए हमेशा कार्य किया करे। ठीक, तो शुरुआत होती है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित। देखिए, सबसे पहली जो आपकी समस्या होती है, तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन बन जाए, पूछ दे कि भारत का तीसरा राष्ट्रपति कौन था, दूसरा कौन था, पांचवा कौन था, ऐसे क्वेश्चन मतलब कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, तो मैं इन सबको एक कॉन्सेप्ट और एक ट्रिक के साथ सेट करके आपको बता दूंगा कि भारत का पहला राष्ट्रपति इन पद क्रम या पद के अनुसार कब कौन राष्ट्रपति थे। ठीक, चलिए आते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति, ठीक, देखिए, जहाँ तक आपको मालूम है कि भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक, राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इनका निर्वाचन हुआ था कब, 26 जनवरी 1950 को ये भारत के राष्ट्रपति बनाए गए। ठीक, उसके ठीक लगभग दो वर्ष बाद 13 मई 1952 को जब आम चुनाव होता है, तो पुनः उनको निर्वाचित किया जाता है। ठीक, तो यानी पहली बार, या ये जो 26 जनवरी 1950 को जब राष्ट्रपति बने थे, तो यह संविधान सभा के द्वारा इनको निर्वाचित किया गया था। और उसके बाद जब 13 मई 1952 को जब इनका निर्वाचन हुआ, तो वह संसदों के द्वारा, संसद के सदस्यों के द्वारा हुआ, ठीक, या विधानसभा सदस्यों के द्वारा हुआ। तो ये मतलब क्वेश्चन बने कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार राष्ट्रपति कब बने, 26 जनवरी 1950 को, ठीक, और किसके द्वारा बनाया गया, तो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। ठीक, उसके बाद आगे आते हैं, राजेंद्र प्रसाद आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे। ठीक, ये बेहद इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, यह भारत के इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जो दो बार राष्ट्रपति बने। ठीक, यानी पहले राष्ट्रपति हो गए, दूसरे राष्ट्रपति, मैं ऊपर ट्रिक लिख देता हूँ जिसको मैं आपको बहुत ही बेखूबी साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, डॉक्टर आर एस जाकिर, डॉक्टर आर एस जाकिर की बीबी, की बीबी पर फक्र है। डॉक्टर आर एस जाकिर की बीबी पर फक्र है जो नीला जल, या नीले कर लीजिएगा, नीले जल जल में रमण करती हैं। ठीक, बेहद साधारण ट्रिक है, पूरे लाइफ तक नहीं भूलेंगे। ठीक, यानी डॉक्टर आर एस जागीर की बीवी पर फक्र है जो नीले जल में क्या करते हैं, रमण करती हैं। उसके आगे आएंगे डॉक्टर यस के अब्दुल की प्रतिभा, डॉक्टर यस के अब्दुल की प्रतिभा को प्रणाम, डॉक्टर यस के अब्दुल की प्रतिभा को प्रणाम कोविंद करते हैं। बहुत ही शानदार ट्रिक, मैं यह दावा कर सकता हूं कि पूरे लाइफ तक अगर आपको कोई पूछे कि भारत का नौवां, सातवां, छवां, पांचवां, पहला, दूसरा राष्ट्रपति कौन रहा, तो आप बेहिचक जवाब देंगे। यानी ट्रिक क्या है कि डॉक्टर आर एस जाकिर की बीवी
पर फक्र है जो नीले जल में रमण करती हैं। डॉक्टर यश के अब्दुल की प्रतिभा को प्रणाम कोविंद करते हैं, कोविंद करते हैं। बेहद शानदार ट्रिक अभी तक किसी के माध्यम से नहीं दिया होगा, दिया गया होगा, यह मेरा दावा है। देखिए इसको मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, समझाने में कोशिश क्या है, पहला देखिए डॉक्टर आर एस, तो आर का मतलब राजेंद्र, यश का मतलब सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ये दूसरे थे सर्वपल्ली राधा, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ठीक। तीसरे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन, बिल्कुल सीरियल से डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, चौथे बीबी गिरी, और बीबी गिरी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। फक्र, फक्र का मतलब डॉक्टर फक्रुद्दीन, डॉक्टर फक्रुद्दीन, ठीक। नीले, नीले का मतलब ये हो गया, हटा देते हैं इसको, नीले का मतलब समझ लीजिएगा बिल्कुल आसान भाषा में, या नीला भी कर सकते हैं, नीलम संजीव रेड्डी। जल, जल का मतलब ज्ञानी जैल सिंह, जे बी बिट्टो का प्रयोग करने वाले पहले भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। यश के, यश का रमण का मतलब डॉक्टर वैकेंट रमण, डॉक्टर वैकेंट रमण, यश के डॉक्टर यश के, यश का मतलब होगा शंकर दयाल, शंकर दयाल। के का मतलब हो गया डॉक्टर के आर, प्रथम दलित राष्ट्रपति डॉक्टर के आर नारायण। अब्दुल मतलब ए पी जे अब्दुल कलाम, ए मिसाइल मैन, ए पी जे अब्दुल कलाम, बेहद शानदार ट्रिक। प्रतिभा, प्रतिभा सिंह पाटिल, प्रतिभा सिंह पाटिल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। प्रणाम, प्रणाम का मतलब हो जाएगा सीधे ध्यान दीजिएगा, बेहद प्रणव मुखर्जी, प्रणव मुखर्जी जो भारत के 13वें राष्ट्रपति थे, पदक्रम से, पदक्रम व्यक्ति नहीं, व्यक्तिक्रम से, पद नहीं व्यक्तिक्रम से, कोविंद यानी रामनाथ कोविंद, ये आपके भारत के 14 राय, अभी तक भारत में 14 व्यक्ति कार्यवाहक को छोड़ दिया जाए तो 14 व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक। जिसमें देखिए यही क्वेश्चन बनता भी है, तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे देख लीजिए ना सीरियल से, पहले दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथे बीबी गिरी, पांचवे फकरुद्दीन, छठवें नीलम संजीव रेड्डी, सातवें ज्ञानी जैल सिंह, आठवें डॉक्टर वेंकट रमन, नौवें शंकर दयाल, ग्यारहवें डॉक्टर के आर नारायण, बारहवें ए पी जे अब्दुल कलाम, तेरहवें आपके ये सातवें हो गए ए पी जे अब्दुल कलाम, बारहवें एक बार और देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले, सर्वपल्ली राधा कृष्ण दूसरे, जाकिर हुसैन तीसरे, बीबी गिरी चौथे, फकरुद्दीन पांचवें, ठीक। उसके बाद आगे आते हैं नीलम संजीव रेड्डी छठवें, ज्ञानी जैल सिंह सातवें, ठीक, रमण आपके आठवें, ठीक, उसके बाद शंकर दयाल नौवें, ठीक,
और डॉक्टर के आर नारायण दसवें अब्दुल यानी डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ग्यारहवें, प्रतिभा पाटिल बारहवें, ठीक प्रणब मुखर्जी तेरहवें और रामनाथ कोविंद चौदहवें। यानी ये भारत के राष्ट्रपति के व्यक्तिगत क्रम रहा, यानी क्वेश्चन बनता है ऐसे। आपके जीवन में कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ दे कि भारत के छठवें कौन थे, तो आपको ये ट्रिक याद रहेगा कि डॉक्टर ये आर एस जाकिर की बीवी पर फक्र है जो नीले जल में रमण करती है, डॉक्टर एस के अब्दुल की प्रतिभा को प्रणाम कोविंद करते हैं। यानी भारत के चौदहवें राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो डॉक्टर रामनाथ कोविंद, तेरहवें कौन थे प्रणब मुखर्जी, बारहवें कौन थे प्रतिभा पाटिल। तो ये आपके भारत के राष्ट्रपति का पद क्रम रहा। ठीक, अब आते हैं कुछ इनकी विशेषताएं। एक और चीज़ बता दें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले, दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे आपके जाकिर हुसैन। देखिए, जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम व्यक्ति थे जो भारत के राष्ट्रपति बने। दूसरी बात, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन भारत के दो ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनका देहांत कार्यकाल के दौरान हुआ, यानी कार्यकाल था उसी दौरान इनकी मृत्यु हो गया। ठीक, उसके बाद बीबी गिरी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने। ठीक, उसके बाद राष्ट्रपति बने और द्वितीय मतगणना चक्र में राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक, उसके बाद आते हैं आपके नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। उसके आगे आते हैं ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिस समय राजीव गांधी और ज्ञानी जैल सिंह के बीच मतभेद हो गया, तो इन्होंने जेबी बिट्टो का उपयोग, यानी क्वेश्चन बनता कि जेबी बिट्टो पावर का उपयोग किस राष्ट्रपति ने किया था, ज्ञानी जैल सिंह। ठीक, उसके आगे आते हैं यस के यानी शंकर दयाल, के आर मतलब डॉक्टर के आर नारायण, यानी डॉक्टर के आर नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। ठीक, उसके बाद अब्दुल ए पी जे अब्दुल कलाम जो जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है, प्रतिभा पाटिल जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, उसके बाद प्रणब मुखर्जी जो भारत के तेरहवें राष्ट्रपति थे, उसके बाद वर्तमान में जो हैं रामनाथ कोविंद वो भारत के चौदहवें राष्ट्रपति हैं। यानी भारत के दूसरे ऐसे दलित राष्ट्रपति, दलित व्यक्ति जो हैं राष्ट्रपति बने, वो रामनाथ कोविंद, पहले कौन थे डॉक्टर के आर नारायण। तो ये हमारा ट्रिक के माध्यम से एक बहुत शानदार प्रस्तुति रहा। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास कमेंट करेंगे। ठीक, इसी के साथ मैं कुछ आगे और भी चीज़ें बताने जाऊँगा जो उपराष्ट्रपति से संबंधित है। ठीक, तो आगे आते हैं उपराष्ट्रपति से। सबसे पहले तो उपराष्ट्रपति भी क्या होता है, निर्वाचित होता है। पहले उनके बारे में समझ लीजिए कि उपराष्ट्रपति भी निर्वाचित होता है और राष्ट्रपति भी निर्वाचित होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति क्या होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक, दूसरी बात, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन, यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। यानी इसमें क्या होता है, जो मनोनीत होते हैं वो भी आ जाते हैं। और राष्ट्रपति में क्या होता था कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य वोट करते हैं। ठीक, उसके बाद जो उपराष्ट्रपति की योग्यताएं होती है, तो उपराष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होती है, तो न्यूनतम उम्र 35 वर्ष पूरा कर चुका भारत का नागरिक हो और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है। यानी जो व्यक्ति राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है वो भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। ठीक, उसके बाद पागल या दिवालिया न हो, कि सरकारी लाभ के पद पर न हो, ये सब चीज़ अभी के लिए कॉमन होती है। ठीक, उसके बाद उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करता है, तो राष्ट्रपति। यानी क्वेश्चन बनता है उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति देता है। ठीक, अब उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं। जब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों पद पर नहीं रहते हैं तो राष्ट्रपति कौन बनता है, तो मालूम है आपको, मुख्य सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनता है। ठीक, उसके बाद यदि मान लीजिए उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है, अगर पद से हटाना है तो क्या करेंगे, तो उपराष्ट्रपति को यदि पद से हटाना है तो उस पर राज्यसभा के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। अगर राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो संसद के किसी भी सदन से प्रक्रिया महाभियोग वाली शुरू की जा सकती है, लेकिन 14 दिन पहले उनको सूचित करना पड़ता है। ये तो चीज़ है। लॉकडाउन भी जो है, तो इसमें यह बताया जा रहा है कि जो कोविड 19 जो वायरस है, इसमें क्या हो रहा है कि भाई जो आपका इसमें
बीमारी से बचने के लिए, इस बीमारी का प्रभाव 14 दिन बाद ही आ रहा है, ठीक। तो ये भी कॉन्सेप्ट एक अच्छा है, ठीक। उसके बाद जब उपराष्ट्रपति को उनको पद से पदच्युत किया जाता है, यानी उनको पद से हटाया जाता है, तो क्या किया जाता है, तो पहले राज्यसभा सबसे पहले, यानी क्वेश्चन बनता है कि उपराष्ट्रपति को यदि पद से हटाना होगा तो सबसे पहले कहाँ से आवाज़ उठती है, कहाँ बात को रखी जाती है, तो राज्यसभा में। राज्यसभा अगर राज्यसभा से स्वीकृति होगा तो लोकसभा में जाता है, अगर लोकसभा स्वीकार कर लेता है उस पदच्युत करने के लिए या पद से हटाने के लिए, तो राष्ट्रपति पद से हट जाते हैं, उपराष्ट्रपति पद से हट जाते हैं, और लेकिन 14 दिन पहले उनको सूचित करना पड़ता है। अब देखिए, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं होता है, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति कभी भी नहीं होता है, ठीक। कार्यवाहक राष्ट्रपति हो सकता है यदि राष्ट्रपति बीमार पड़ जाते हैं, या किसी कारणवश नहीं रहते हैं, या कुछ उनका समस्या हो जाती है, पद पर नहीं रहते हैं, तो उपराष्ट्रपति उस पद का देखरेख करता है। तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा तो जितनी सुविधाएँ राष्ट्रपति की होती है, वेतन भत्ते उपलब्धियाँ जो भी होती है, वो उपराष्ट्रपति को दिया जाता है, ठीक। ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट के साथ मैंने दिया उपराष्ट्रपति के बारे में, बाई आर्टिकल बताने की कोशिश करूंगा, ठीक। चलिए आते हैं। तो उपराष्ट्रपति का जो पद लिया गया था वो अमेरिका से लिया गया था, कहाँ से लिया गया था, अमेरिका से, ठीक। चलिए अनुच्छेद 63, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 63 क्या करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में क्या है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति, यानी अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति का पद के बारे में कहा गया, यानी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में, यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है जो राज्यसभा का पद सभापति होता है, ठीक। यानी कहने का मतलब है कि राज्यसभा के कार्यवाही का संचालन कौन करता है, उपराष्ट्रपति करता है, ठीक। उपराष्ट्रपति के पद का वेतन 63 में उपराष्ट्रपति का पद होगा, ठीक। उसके बाद अनुच्छेद 66(1) में उपराष्ट्रपति की निर्वाचन मंडल या निर्वाचक मंडल, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी कहने का मतलब यह है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा व राज्यसभा, लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य, के सभी सदस्य, ठीक। यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, ठीक। उसके बाद 66(3), ठीक, इसमें क्या है, तो उपराष्ट्रपति की अर्हताएँ, उपराष्ट्रपति की योग्यताएं या अर्हताएं, ठीक। तो योग्यताएं आपको सिंपल याद होगा कि भारत का नागरिक को न्यूनतम 35 वर्ष पूरा कर चुका हो, और उसके बाद राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, सरकारी लाभ के पद पर न हो। तो ये कॉमन चीज़ है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, राष्ट्रपति का क्या होता है, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए, ठीक। आगे आते हैं अनुच्छेद 69। तो 69 में क्या है कि राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति का शपथ, यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो मैं बता दूं कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाए उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति करता है, या राष्ट्रपति के द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति करता है। यानी क्वेश्चन बनता है कि उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देगा, तो राष्ट्रपति को देगा, या उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक। यानी उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक। उसके बाद अनुच्छेद 67 कार्यकाल, यानी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, तो 5 वर्ष होता है, कितना वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, ठीक। उसके अंदर यह त्यागपत्र दे सकते हैं, तो किसको देंगे, तो राष्ट्रपति को देंगे। उसके बाद इनको पद से हटाया भी जा सकता है, तो जो प्रक्रिया राज्यसभा से शुरू की जाती है, और 14 दिन पहले इनको सूचित किया जाता है, ठीक। तो ये आपके उपराष्ट्रपति से रहे, ठीक। उसके बाद इनकी कार्य शक्तियाँ क्या है, इसको देख लिया जाए, तो कार्य शक्तियाँ ध्यान दीजिएगा, कार्य और शक्तियाँ क्या है, ठीक। तो कार्य और शक्तियां में क्या है, तो पहला बात कि राज्यसभा का पद सभापति होता है। यानी एक क्वेश्चन बनता है कि कौन ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष, जिसका सभापति उसका सदस्य नहीं होता है, तो यानी उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है या सभापति होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, एक क्वेश्चन बनता है, ठीक। यानी कार्य शक्ति, यानी कार्य शक्ति में क्या होगा कि राज्यसभा के जो सदन होता है उसको संचालन करने का कार्य करता है, वो जो जितना रोल लोकसभा अध्यक्ष का होता है उसी तरह इसका होता है। उसके बाद उपराष्ट्रपति का
के पद का वेतन नहीं होता है, वेतन किसका मिलता है तो राज्यसभा सभापति का मिलता है। ये सब चीज़ें हैं, ठीक। उसके बाद आगे आते हैं, एक चीज़ और बता दें कि जो बीबी गिरी थे, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए थे, तो उन्नीस सौ उनहत्तर में जाकिर हुसैन का जब जैसे ही देहांत होता है तो बीबी गिरी राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि बीबी गिरी त्यागपत्र दे देते हैं, जब त्यागपत्र देते हैं तो एम हिदायतुल्ला क्या होते हैं तो भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं। ये सब कहानियाँ रहती हैं, ठीक। तो ये आपका उपराष्ट्रपति से कुछ तथ्य रहा है। उसके बाद हमने राष्ट्रपति के पदक्रम को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की, ठीक। तो ये सब आपका परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बेहतर तरीके से अंत तक देखिए और इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक। अगर मान लीजिए आपको किसी और भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में डालिए कि हम इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, तो हम वो सारे सब्जेक्टों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आगे मान लीजिए बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि इतिहास पढ़ाना है सर जी, तो इतिहास भी पढ़ाया जाएगा, सारे सब्जेक्ट चलेंगे, लेकिन पहले एक सीक्वेंस जो बना है संविधान और बायो और यूपी स्पेशल, तो इसको अगर समाप्त कर लिया जाए, उसके बाद जैसे ही संविधान समाप्त होगा तो मैं प्रयास करूँगा कि अगर जिस सब्जेक्ट के अधिक मांग आते हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। आपके हिसाब से चलेगा, आपके लिए चल रहा है तो आपके हिसाब से चलेगा, और हम आपके लिए सेवारत हैं। तो अधिक से अधिक कमेंट और लाइक कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।